बर्ड फ्लू के कारण प्रवासी पक्षियों की मौत के चलते पोंग झील में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके चलते यहाँ के स्थानीय मछुआरों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। मछुआरों का कहना है कि पोंग झील में एकदम से मछली के आखेट पर प्रतिबंध लगाने से उनके जाल पानी में ही रह गए तथा कश्तियां भी सूखी जगह पर पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पोंग झील में मछली पकड़ने से ही उनके परिवार का पालन पोषण होता है। करीबन 2200 मछुआरे मछली पकड़कर आजीविका कमाते हैं, लेकिन अब उनको घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। मछुआरों ने प्रदेश सरकार व मत्स्य विभाग से मांग उठाई है कि उन्हें राहत राशि प्रदान की जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं सुरजीत सिंह प्रशासन से निवेदन करता हूं कि हमारे समाधान का कोई हल निकाला जाए। बात यह है कि हमारा भेड़ी सामान जो भी है वो वहां सड़ रहा है, हमें बर्ड फ्लू से वंचित किया जा रहा है, इस बात का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। उसके बाद में हमें नीचे नहीं जान जा रहा है, अभी कोई बोलते हैं भाई किसी हमारे नीचे पड़ी हुई है, उसमें कोई किसी को ना दिखने दे रहा ना कुछ, हमारे नीचे जाने से बोलते हैं भाई आपको बर्ड फ्लू हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारे शिकारियों को किसी को नीचे नहीं जान जा रहा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ज्वाली से ब्यूरो रिपोर्ट।